हे गाइस, देखो कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आराम से बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं डायरेक्ट खुले आम टारगेट दे रहे हैं कि ये स्टॉक तो आपको पैसा 100% डबल कर ही देगा भाई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, लिख के ले लो करके। मतलब मार्केट इतना गिरा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने देखने को मिला कि खुले आम बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टॉक आपकी नज़रों से मतलब गिरना नहीं चाहिए। देखो, समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर कोई स्टॉक 100% रिटर्न दे सकता है तो ऐसे स्टॉक्स में रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर कोई रिस्क है ही नहीं। समझो, मैं आपको बताता हूं। बताया जा रहा है कि ये 500 रुपये का शेयर 1000 रुपये जाने वाला है, मतलब आपका पैसा यहां से डबल होने वाला है, 100% का रिटर्न देखने वाला है। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से कोई टेंशन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ये 500 रुपीज़ से अगर 400 रुपीज़ के पास भी आ जाते हैं तो और बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिला, समझ रहे हो ना। तो यहां पर रिस्क लिमिटेड है लेकिन रिवॉर्ड अनलिमिटेड है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है यहां पर। और यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े जो रिसर्चर है, एनालिस्ट हैं, वो लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, वीआईपी इंडस्ट्री का मानना है कि 68% तक रिटर्न निकाल के दे सकता है, 1014 रुपीज़ तक ये जा सकता है। नज़ारा टेक्नोलॉजी के सीईओ ने ही आज बोला है कि इंडिया में गेमिंग प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि भाई अगर आप देखोगे तो आने वाले दिनों में ना सबसे बड़ी चीज़ जो एडिक्शन होने वाली है वो है गेम मोबाइल में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे आजकल के डेट में लोग इंटरटेन्ड होना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं एक वीडियो अगर आप देख ले तो, इंटरटेनमेंट का वीडियो देख ले तो, मूवी देख ले तो, एक बार ही देखते हैं लोग, उसके बाद फिर दूसरा दूसरा दूसरा। लेकिन गेम एक ऐसा चीज़ है ना भाई, लोग खेलते रह जाते हैं सुबह शाम दोपहर। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी का भी 66% का टारगेट दिया गया है, LIC का भी 51% तक का टारगेट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो यूनियन बैंक 50% तक का टारगेट दिया गया है, ये देख सकते हो, आपको बताया जाता है ये 49% रिटर्न दे सकता है, ये 47% रिटर्न दे सकता है। ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको बताया जा रहा है काफ़ी अच्छा अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अब पैसा डबल होने वाला कौन सा स्टॉक है भाई? तो पैसा डबल होने वाला यहाँ पर देख सकते हो ये स्टॉक, यहाँ पर इंडोस्टार कैपिटल 88% तक का पोटेंशियल आपको बताया जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल जी ने बताया है कि 121 रुपये का शेयर ये जा सकता है, 238 रुपीज़ तक का रिटर्न निकाल के दे सकता है। आराम से समझो कि 90% का रिटर्न बैठे बैठे मिल जाएगा यहाँ पर। पहले भी इसका टारगेट दिया गया है, पहले भी मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से ये टारगेट दिया गया है, डेट वगैरह सब यहाँ पर दिया गया है, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, मार्च में ही दिया गया था, वो भी 24 को, समझ लो। यहाँ पर बताया गया था 125% तक का रिटर्न निकाल के दे सकता है, और वह 20 रुपीज़ का स्टॉक था, 157% तक का टारगेट दिया गया था खुलेआम। फिर यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल जी ने बताया था, यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर एंजल वन का अगर आप टारगेट देखोगे तो भाई ये स्टॉक का टारगेट दिया जा रहा है 86% तक का रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो अगर आप देखोगे तो जितना गिरावट देखने को मिलना था ऐसे स्टॉक गिर चुके हैं, अब ज़्यादा नहीं गिरने वाले। एंजल वन एक इतना खतरनाक स्टॉक है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा भी रिटर्न निकाल के देगा और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, क्योंकि इस कंपनी को मैं इस वजह से मैं आपको बोलूँगा सपोर्ट करता हूँ और डीमैट अकाउंट भी खोलने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि ये कंपनी पैसिव इनकम जनरेट करके देती है। समझने की कोशिश करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कोई भी कंपनी, एक मोबाइल की कंपनी ले लेते हैं, एप्पल की ले लेते हैं, ठीक है ना। अब एप्पल ने इस महीने में 100 मोबाइल बेच दिए, काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, तो अगले महीने में भी तो उसको मोबाइल बेचना है ना, उसके अगले महीने में भी मोबाइल बेचना है, उसके अगले महीने में भी उसको बेचते रहना है, है कि नहीं है। लेकिन इसको क्या होता है कि बार बार बेचना रहता है, लेकिन इनको क्या होता है, एक बार ही बेचना होता। एक बार अगर इसने मान लेते हैं कि 100 लोगों को प्रोडक्ट बेच दिया ना, तो इनसे ये पैसा कमाते रहेंगे बार बार। लेकिन एप्पल का मोबाइल एक बार बेचा तो एक बार ही कमाया ना भाई, कोई भी प्रोडक्ट एक बार बेचा तो एक बार कमाया। और फिर ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे कस्टमर को खोजते हैं, जो दूसरे 100 रहते हैं, तो इनसे भी पैसा कमाते हैं और इनसे भी कमाते हैं, मतलब ये कमाते रहते हैं। तो अब ये मान लेते हैं टोटल यहाँ पर जितने सारे लोग हो जाएंगे, 500 के 500 हो जाएंगे, लेकिन एप्पल के लिए तो नेक्स्ट मंथ में 100 के 100 रहेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिएगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो मैनी सर्मिक जैसे स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, इसका भी टारगेट 878% दिया गया है। गजब, मतलब भाई देख लो, इतना अच्छा अच्छा टारगेट यहाँ पर दिया गया है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री 58% का रिटर्न। ये वो टाइम है जहाँ पर मार्केट से भागना नहीं है, यहाँ पर मार्केट को सामना करना है, क्योंकि भाई अब 2 साल तक का ये जो गिरावट दिखने को मिलना था वो हो चुका है। पिछले 18 महीने से 19 महीने हो चुके हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। अब अगर आप देखो तो मार्केट ऑल टाइम हाई जाता हुआ नजर आ जाएगा। मार्केट में देख लीजिए, निफ्टी में कुछ खास गिरावट नहीं है, 17,600, 18,000 कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। 2 दिन भी अगर मार्केट दौड़ गया या 1 दिन भी सही से दौड़ गया ना, तो ऑल टाइम हाई बनाना स्टार्ट कर देगा। तो कहने का मतलब है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, ध्यान रखना होगा। बड़े स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और छोटे वाले में भी। और अगर स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, स्टॉक खरीद के भी बेनिफिट कर सकते हो, डीमैट अकाउंट फ्री में खोल के भी बेनिफिट कर सकते हो, चारों तरफ से जो भी करना कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।